किसी साहब ने लिखा है और ठीक ही लिखा है कि जब मैं 4 साल का था तो मेरा यकीन था कि मेरे अब्बू सबसे अच्छे हैं, जब मैं 6 साल का था लगता था मेरे अब्बू सब कुछ जानते हैं, जब मैं 10 साल का था तो सोचता था मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं लेकिन बस जरा गुस्से के तेज हैं, जब मैं 12 साल का था तो सोचता था कि मेरे अब्बू तब बहुत अच्छे थे जब मैं छोटा था, जब मैं 14 साल का था लगता था मेरे अब्बू बहुत हसास हो गए हैं, जब मैं 16 साल का था तो सोचने लगा कि मेरे अब्बू जदीद दौर के तकाजों से आशना नहीं हैं, जब मैं 18 साल का था तो लगता था कि मेरे अब्बू में बर्दाश्त की कमी बढ़ती जा रही है, जब मैं 20 साल का था तो मालूम होता था कि मेरे अब्बू के साथ तो वक्त गुजारना बहुत ही मुश्किल काम है, पता नहीं अम्मी बेचारी कैसे इनके साथ इतनी मुद्दत से गुजारा कर रही हैं, जब मैं 25 साल का था लगता कि मेरे अब्बू को हर उस चीज पर एतराज है जो मैं करता हूं, जब मैं 30 साल का था तो मालूम होता था कि मेरे अब्बू के साथ बाहमी रजामंदी बहुत ही मुश्किल काम है। शायद दादा जान को भी अब्बू से यही शिकायत होती होगी जो मुझे है। जब मैं 40 साल का था तो समझ आने लगी कि मेरे अब्बू ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे असूलों के जरिए की, मुझे भी अपने बच्चों की परवरिश ऐसे ही करनी चाहिए। जब मैं 45 साल का हुआ तो मुझे हैरत होने लगी कि अब्बू ने हम सबको कैसे इतने अच्छे तरीके से पाला पोसा। जब मैं 50 साल का हुआ तो सोचने लगा कि मेरे लिए तो बच्चों की तरबियत बहुत ही मुश्किल काम है, पता नहीं अब्बू हमारी तालीमो तरबियत और परवरिश में कितनी अजियत से गुजरे होंगे। जब मैं 55 साल का हुआ तो ख्याल आने लगा कि मेरे अब्बू बहुत दाना और दूरअंदेश थे और उन्होंने हमारी परवरिश और तालीमो तरबियत के लिए बहुत ही जबरदस्त मंसूबाबंदी की थी। जब मैं 60 साल का हुआ मुझे एहसास हुआ कि मेरे अब्बू सबसे अच्छे हैं। गौर कीजिए कि इस दायरे को मुकम्मल होने में कितने साल लगे और बात आखिर में फिर पहले वाले मुकाम पर आ गई कि मेरे अब्बू सबसे अच्छे हैं। हकीकत भी यही है कि हमारे वालदैन अच्छे ही होते हैं, वो कभी जानबूझकर हमसे कुछ बुरा नहीं करते। हाँ, उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं क्योंकि वो जन्म तो देते हैं, कर्म खुदा ही दे सकता है, हमारी तकदीरें तो खुदा के हाथ में हैं। फिर कुछ अच्छा बुरा हो जाने पर माँ बाप को कसूरवार क्यों ठहराना। हर वालदैन हमेशा औलाद का भला ही चाहते हैं, बल्कि वो बुरा चाह ही नहीं सकते। खुदा की बेहतरीन नेमतों में वालदैन की नेमत भी शामिल है। दुनिया में आपको तकरीबन सब कुछ दोबारा मिल जाता है लेकिन वालदैन का नेमुल बदल दोबारा नहीं मिलता। वालदैन से बढ़कर कोई खैरख्वाह, कोई दोस्त, कोई गमख्वार दोबारा कम ही मिलता है। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग इस नेमत की बरवक्त कदर नहीं करते और फिर इस नेमत के छिन जाने पर सारी उम्र पछताते रहते हैं। आइए हम अपने वालदैन से बेहतरीन सलूक करें, उनके सामने उफ तक ना करें, उनकी खूब खिदमत करें कबल इसके कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह करीम उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन। ये दुआ जरूर करते रहा करें, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, कि ऐ अल्लाह मेरे वालदैन पर उस तरह रहम फरमा जैसे उन्होंने मुझ पर उस वक्त मेहरबानी की जब मैं कमसिन था। इन्हीं गुजारशात के साथ इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। आखिर पर एक शेर भी सुन लें, घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूंगा, गम छुपाकर मेरे माँ बाप कहाँ रखते थे।